आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी से रायबरेली की खबर। रायबरेली जहां कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर की स्वास्थ्य विभाग सतर्क दिखाई देता है, वही बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली में हैरान करने वाली तस्वीरें निकल कर के सामने आई हैं, जहां एक मरीज को ले जाने के लिए स्वयं तीमारदारों को एम्बुलेंस में धक्का लगाना पड़ा। जिस तरह से रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है या तो तस्वीरों से साफ हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है कि आखिर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग में क्यों है, देखने वाला मामला होगा। अब बता दी इस विषय को लेकर हमने सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन के श्रीवास्तव से खास बातचीत की, जिसको देखते हुए उन्होंने बताया कि अक्सर गाड़ियों में टेक्निक इशू रहता है। डॉक्टर एन के श्रीवास्तव का कहना है ऐसी बहुत ही समस्या बनी रहती है। संवाददाता एसपी निराला, इंडिया आज तक, न्यूज लाइव टीवी चैनल। सर, जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस पे तीमारदार धक्का लगा रहे हैं, तो क्या स्थिति उस समय एम्बुलेंस की है? क्या देखिए, 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस जीवीके कंपनी का टेंडर है, वो लोग चलवा रहे हैं और हम लोग उसको सुपरवाइज करते हैं। कहीं पे भी कोई फॉल्ट आती है तो तत्काल इसको सही कराया जाता है। ये मेरे संज्ञान में आया है कि कल किसी एक गाड़ी में अचानक वो बंद हो गई थी, जिसमें दबाव में धक्के से स्टार्ट हुई। मैंने तत्काल जीवीके के हर लोकल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को सूचना दी थी कि अपनी सारी गाड़ियों का टेक्निकल उसको दोबारा चेक कराएँ और किसी भी गाड़ी में इस तरह की स्थिति न पैदा होने पर। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मान लो कोई मरीज की हालत गंभीर हो और उसे लखनऊ भेजना हो, ऐसे में अगर धक्का लगाना पड़ रहा है तो समय काफ़ी बर्बाद होता है, ऐसे में क्या है? प्रयास ये रहता है सर, हम भी इसको सुपरवाइज करते हैं, मंथली इनका चेकअप होता है, हम इसका चेकअप करते हैं वहाँ के कितने आइटम से सारा सामान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन टेक्निकल हम लोग उतना नहीं देख पाते। अगर इस तरह की कोई टेक्निकल सडन आती है तो तत्काल उसको सूचित किया जाता है वहाँ के लोकल मैनेजमेंट को, जो इसको सही कराते हैं, और उनसे कहा गया है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न होने पर गाड़ियों का मेंटेनेंस प्रॉपर होता रहे।